हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट्स जो बच्चों बच्चों को पसंद है और जिसकी टेस्ट बिल्कुल डेरी मिल्क चॉकलेट जैसे लगने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चॉकलेट बनाने के लिए हमें लगने वाले हैं दो तरह के कंपाउंड। पहला है डार्क कंपाउंड जिसकी टेस्ट थोड़ी सी कड़वी होती है, और दूसरा है व्हाइट कंपाउंड जिसकी टेस्ट थोड़ी सी मिल्की और बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। वैलनियर ब्रांड का डार्क कंपाउंड लिया है एंड कोकोआ ब्रांड का व्हाइट कंपाउंड लिया है। ये देखिए, मैंने दोनों भी चॉकलेट्स एक बाउल में निकाल लिए हैं और दोनों इक्वल क्वांटिटी में है। 1 कप डार्क कंपाउंड एंड 1 कप मिल्क कंपाउंड। हम इसे मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के दो तरीके हैं, पहला इन माइक्रोवेव एंड दूसरा डबल बॉयलर मेथड। तो मैं पहले आपको बताऊंगी माइक्रोवेव में कैसे मेल्ट करते हैं। मैं इन कंपाउंड को 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूंगी 360 वाट मीन्स 40% पावर पर। किसी भी चॉकलेट और कंपाउंड को कभी भी हाई फ्लेम पर मेल्ट नहीं करना, क्योंकि जलने जैसी स्मेल आती है और चॉकलेट की टेस्ट भी बहुत कड़वी लगती है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं हम चॉकलेट्स मेल्ट हुए हैं या नहीं। ये देखिए, अच्छी तरह से मेल्ट हुए हैं। हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मेल्ट हो चुके हैं। कंसिस्टेंसी भी ऐसे ही चाहिए हमें चॉकलेट्स की। तो ये थी पहली मेथड माइक्रोवेव में चॉकलेट्स मेल्ट करने की। अब देखते हैं हम दूसरी मेथड, डबल बॉयलर मेथड। इसमें हम पानी को गर्म करेंगे बॉईल आने तक के। ये देखिए, पानी अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। अब हम इस पर रखेंगे दूसरा बाउल। ध्यान रखेंगे कि नीचे वाले बाउल का पानी ऊपर वाले बाउल को टच नहीं होना चाहिए। और हम डालेंगे थोड़ा सा कंपाउंड, व्हाइट कंपाउंड, और कंटिन्यूसली इस कंपाउंड को मेल्ट होने तक के चम्मच से हिलाते रहेंगे। एंड गैस की फ्लेम लो टू मीडियम होनी चाहिए। ये देखिए, हमारी चॉकलेट मेल्ट हो रही है। कंसिस्टेंसी हमें ऐसे ही थोड़ी सी पतली चाहिए, लेकिन डबल बॉयलर मेथड से अच्छी माइक्रोवेव वाली मेथड अच्छी है। वहाँ पे जो चॉकलेट्स मेल्ट होते हैं ना, तो बहुत देर तक के टिके रहते हैं। डबल बॉयलर मेथड में बहुत जल्दी चॉकलेट गाढ़ा हो जाता है और आपको बार बार उसे मेल्ट करना पड़ता है। देखिए, चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। तो ये थी हमारी डबल बॉयलर मेथड। तो चलिए अब हम देखते हैं चॉकलेट्स कैसे बनाते हैं। तो चॉकलेट बनाने के लिए हमें लगेंगे चॉकलेट मोल्ड। मेरे पास दो टाइप के मोल्ड है, ये सिलिकॉन मोल्ड है, ये लेटर वाला मोल्ड है। हम चॉकलेट्स डाल के डायरेक्टली किसी का भी नाम केक के ऊपर लिख सकते हैं। आपको गनाश, क्रीम या पाइपिंग से नाम लिखने की तकलीफ नहीं होगी। बहुत इजी मेथड है ये नाम लिखने की। अब दूसरा ये फ्लावर मोल्ड है, ये भी सिलिकॉन है। और ये तीसरा मोल्ड है जो कि प्लास्टिक का है, लेकिन मैं सिलिकॉन मोल्ड ही प्रिफर करूँगी। आपको बहुत अच्छे अच्छे वेराइटी के मोल्ड्स मिल जाएंगे, जहाँ पे बेकिंग के सामान मिलते हैं, केक वगैरह मिल वहाँ पे बहुत ईजीली अवेलेबल रहते हैं। चलो अब हम चॉकलेट्स बनाना शुरू करते हैं। अब हम इस मोल्ड में मेल्ट किया हुआ चॉकलेट डालेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए हम फ्रीज में रख देंगे। तो चलो फटाफट से भरते हैं। और देखिए, यहाँ पे ना छोटा चम्मच यूज़ करना, मैंने गलती से बड़ा चम्मच यूज़ कर लिया था, या फिर पाइपिंग बैग यूज़ करना। इस लेटर वाले मोल्ड में भी हम फटाफट से चॉकलेट डाल देंगे। ये वाली प्रोसेस धीरे धीरे करना ताकि चॉकलेट्स अंदर तक के जाए। बहुत छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, यहाँ से दिखते बड़े हैं लेकिन छोटे छोटे ही हैं। देखिए, अगर आपको चॉकलेट मीठी नहीं चाहिए और थोड़ी सी कड़वी चाहिए, जैसे कि ओरियो बिस्किट्स की होती है विदाउट क्रीम, तो आपने क्या करना है, डार्क कंपाउंड थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। और अगर आपको मीठा चॉकलेट चाहिए तो आपको व्हाइट कंपाउंड ज़्यादा लेना है। और अगर डेरी मिल्क जैसी टेस्ट चाहिए तो आपको दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेना है। थोड़ा सा हम इसे डैब डैब कर देंगे और फैला हुआ चॉकलेट टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये भी हम 5 से 7 मिनट के लिए फ्रीज में रखेंगे। चलो अब दूसरे तरीके से बनाएंगे। अब इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप डाल सकते हो और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस मोल्ड में मैं थोड़े से शुगर बॉल्स डालूंगी डेकोरेशन के लिए। टेस्ट भी अच्छी आती है, बच्चे भी अच्छे से खाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट्स फटाफट से।
कुछ व्हाइट चॉकलेट्स भी बनाएंगे, कुछ मिक्स करके बनाएंगे, थोड़ा सा वाइट एंड थोड़ा सा डार्क, वो भी अच्छे दिखते हैं। अच्छे से डैब डैब करके टिश्यू पेपर से जो बाहर फैला हुआ चॉकलेट है उसे क्लीन कर लेंगे और इसे भी हम 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए हमने जो पहले बनाए थे हार्ट शेप वाले चॉकलेट कितने अच्छी तरह से बन गए हैं। टेस्ट आपको इसकी पूरी तरह से डेयरी मिल्क चॉकलेट जैसे आने वाली है। अगर आप इस तरह से इक्वल क्वांटिटी में बनाओगे तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये लेटर वाले जो बनाए थे ये देखिए है ना कितने अच्छे से निकल रहे हैं लेटर्स भी। आप केक के ऊपर इन लेटर से ही अपने बेटियों का नाम लिख सकते हो। ये लेटर्स आपको आराम आराम से निकालना है, टूटने के पूरे चांसेस होते हैं, इसलिए धीरे से निकालो, आराम से निकालो, कोई टेंशन नहीं है। देखिए है ना ब्यूटीफुल से लेटर, आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो मोल्ड लेके आप बना सकते हो। हर तरह के हर वैरायटी के मोल्ड्स है अवेलेबल मार्केट में। अब देखिए ये फ्लावर वाले चॉकलेट्स कितने प्यारे लगने वाले हैं, देखिए ये देखिए है ना। तो इसी तरह से आप चॉकलेट्स बनाएं, जिन्हें डार्क चॉकलेट पसंद है वो डार्क कंपाउंड ज़्यादा डालें, जिन्हें मीठा चॉकलेट बहुत पसंद है वो मिल्क वाला चॉकलेट ज़्यादा डालें, और जिन्हें कैडबरी जैसी टेस्ट पसंद है वो दोनों चॉकलेट्स इक्वली डालें। जैसे कि एक कप मैंने ये डार्क चॉकलेट लिया है तो एक कप आपको मिल्क चॉकलेट लेना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करके चॉकलेट्स बनाने हैं। ये देखिए हार्ट शेप वाले को भी मैंने फिर से ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से शुगर बॉल डाल के बनाए थे चॉकलेट्स। इजीली ये चॉकलेट्स घर पे बन जाते हैं, इजी मेथड है। आप ये चॉकलेट्स किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो, मार्केट में गिफ्ट पेपर भी मिलता है चॉकलेट्स को रैप करने के लिए। आप इसे बर्थडे पार्टी में रिटर्न गिफ्ट्स की तरह भी दे सकते हो। चॉकलेट रैपिंग पेपर लेके आना और अच्छे से अलग अलग कलर से चॉकलेट्स को रैप कर देना, अच्छा दिखता भी है और आप अपने क्रिएटिव माइंड से अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हो। ऐसे अलग अलग वैरायटी के चॉकलेट्स बच्चों को मिलेंगे तो खाने में मज़ा तो आना ही है, बड़ों को भी आता है, घर पे बने हुए हैं तो हाइजीनिक भी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।